और भाई लोगों, क्या हाल है? नया दिन और हल्की हल्की बारिश हुई थी शायद आज। रोड थोड़ी सी गीली सी हो रही है। तो भाइयों, आज मैं सोचा आपको बताता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का यहाँ कैसे सिस्टम है, लाइक कैसा रिश्ता है और कितने हैं यहाँ पे। तो भाई, पहली बात तो यह है कि कभी कभी मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा यहाँ पाकिस्तानी है। हाँ, लेकिन है इंडिया भी बहुत। और मुझे लगता था यार, पाकिस्तान तो छोटा सा देश है और वीज़ा भी नहीं मिलता है उनको ज़्यादातर, लेकिन भाई बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के और इतने ज़्यादा हैं कि यार कहने की हद नहीं, बहुत सारे हैं। और बहुत लोग आ भी रहे हैं पाकिस्तान के यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, भाई सब आ रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे क्या है ना भाई, न्यूज़ में ना चलता इंडिया पाकिस्तान, ना कुछ, ना लड़ाई झगड़ा, ये सब यहाँ नहीं चलता। तो इसीलिए यहाँ पे कोई हंगामा वैसा है भी नहीं। इंडिया का मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया है, वो चलाता है तो फिर लगता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, कुछ पंगा हो रहा है, कुछ दंगे हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ न्यूज़ में चलता ही नहीं तो कुछ होता भी नहीं, कोई न्यूज़ ऐसी कुछ चलाता ही नहीं जिससे कुछ भड़के। और रही बात रिश्तों की, तो भाई हमारे तो बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तानी, यहाँ तो खैर इंडिया पाकिस्तान वाली कोई बात नहीं है, एकदम अच्छे दोस्त हैं। कोई ऐसा लगता ही नहीं, बल्कि मैं तो दिल्ली का हूँ, मुझे इतनी पंजाबी आती नहीं, उनसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दिल्ली के ही हैं, जैसे कि पंजाबियों से लगता है कि हाँ मैं पंजाबियों से बात कर रहा हूँ, लेकिन उर्दू हिंदी एक तरह से सेम ही होती है वो, बल्कि मेरे से ऐसे बात करते हैं जैसे दिल्ली का कोई बात कर रहा है। तो जो ये सीमा कहते हैं कि सीमा आ गई वहाँ पर, भाई इंडिया में सीमा हैदर, तो भाई वो कोई फेक नहीं है, ऐसे पाकिस्तानी इसी लैंग्वेज जानते हैं, कहीं से बोल लेते हैं, उनके बोलने से लगता ही नहीं है कि भाई कि वो हिंदी बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं। मैं बल्कि कई बार जाता हूँ किसी पाकिस्तानी की शॉप पे, कुछ भी प्रिंटर की या कुछ भी, पर पहले बार जब मैं आया था तो वो कह रहा पाकिस्तान से है। मैंने आपको ऐसा क्यों लगा मैं पाकिस्तान से? तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको इसलिए लगा क्योंकि यहाँ तक ज़्यादातर पंजाबी हैं, तो पंजाबी होते हैं पंजाबी में ही बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाले ही पंजाबी बोलते हैं। एक मैं ही बहुत ही कम है दिल्ली वाले वगैरह यहाँ पे हिंदी बोलते जो, तो मैं गया मैं उसे हिंदी में, तो उसको लगा ये उर्दू में बात कर रहा है शायद। तो मेरा बात करने का दिल्ली वालों को तो तरीका ऐसे ही है, आप भी बोल देते हैं और सर भी बोलते हैं कई बार, दोस्त को भी अरे सर जी क्या हाल है ऐसे। तो उसको लगा यार कोई ज़्यादा ही तमीज़दार बंदा है, शायद पाकिस्तान से ही होगा उर्दू टाइप का बोल रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ। तो वो कह रहा अच्छा। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त भी हैं और उनसे बात करें कभी ऐसा लगता नहीं है कि किसी पाकिस्तानी से बात कर रहे हैं, और बल्कि हाँ वो कहते हैं मुझे कभी कभी कि पाकिस्तान में है ऐसा कुछ, पसंद नहीं करते, और ऐसा इंडिया में भी है थोड़ा बहुत, वैसे ही पाकिस्तान में भी है थोड़ा सा, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो कहता है मैं भी ऐसा सोचता था पहले, वो कह रहा पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इंडिया के लोग ऐसे होते हैं, उनके जुल्म होता है, ये सब होता है, लेकिन मेरे को यहाँ आके पता चला तुमसे बात करके भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं मैं जाऊँगा पाकिस्तान में तो लोगों को बताऊँगा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानियों से, यहाँ के पाकिस्तानियों से इतना बात नहीं करता जितना वो मुझसे करता है, उसकी मुझसे बनती है ज़्यादा। पहले मैं उसको ड्रॉप किया करता था, आजकल वो मुझे ड्रॉप करता है गाड़ी से, रास्ता उल्टा पड़ता है मगर फिर भी आता है मुझे ड्रॉप करने। तो वैसे ही मैं भी करता था पहले, कभी कभी मैं भी करता था उसको ड्रॉप। तो भाई रास्ता गलत आ गया शायद, मैं उस तरफ चलते हैं। तो भाई हाँ, उसने कहा पाकिस्तान में थोड़ा बहुत है कुछ, और वो उनको बताएगा कि भाई ऐसा
कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, इंडियन लोग ऐसे नहीं हैं। और उनके दिमाग में इस चीज़ को कि इंडिया ऐसे नहीं है, इंडियन लोग ऐसे नहीं है, ये सब किसने और निकाला, ये निकाला उनके दिमाग से, अफ़गानिस्तान के लोगों ने उनके दिमाग से ये चीज़ निकाली, क्योंकि यहाँ पे अफ़गानी भी इतने ज़्यादा है जितने पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे अफ़गानी हैं, बल्कि अफ़गानी थोड़े से पाकिस्तानी से ज़्यादा ही निकलेंगे, तो इतने पाकिस्तानी हैं, इतने अफ़गानी हैं यहाँ पे, तो अफ़गानियों ने पाकिस्तानियों से बात करते ही हैं, सब भी एक दूसरे के दोस्त ही हैं, तो उन्होंने उनके दिमाग में डाला क्या, मतलब कि सच बताया उनको, क्योंकि वो लोग इंडिया में रहे हुए हैं। सारे अफ़गानी ज़्यादातर होता है बम्बई से आते हैं या दिल्ली से आते हैं, ज़्यादातर वहाँ से होके आते हैं, वहाँ रहते हैं कम से कम 5 साल, कुछ 10 साल भी रह के आए, कुछ 3-4 साल तो मामूली रहते ही रहते हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा भाई वहाँ पे मुसलमान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता अच्छा, तो दोस्त को बताता है, वो मेरे सामने ही बताया, उसने कह रहा इतना सही है वहाँ पे सब कुछ इतना, तो उससे उनको पाकिस्तानियों को पता चला कि यार ये सब मीडिया ही चलता है, जब अफगानिस्तान के लोग वहाँ रह के आए वो भी यही बोल रहे हैं, और ऐसे ही सब, तो हमको ये कौन दिमाग में डाल रहा है, वो सब मीडिया ही डाल रहा है भाई, पाकिस्तान का मीडिया हो या इंडिया का मीडिया हो यही सब डाल रहे हैं। तो ये सब यूट्यूब पे ही चलती है, और ये ऐसे यूट्यूब पे ऐसे चैनल बने हुए हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए बने हैं, पैसे लेते हैं भाई वो लोग कि इस चीज़ को बढ़ाओ, पैसे दे के वायरल कराते हैं वीडियो। और यहाँ पे अफगानियों ने बहुत हेल्प करी है इंडिया पाकिस्तान का ये सच बताने में, क्योंकि वहाँ रहे हुए हैं। और रही बात यहाँ पे कि इसलिए कुछ नहीं होता इंडिया पाकिस्तान का चक्कर, क्योंकि भाई लाइफ इतनी बिजी है, लोगों को अपने कर्जे उतारने से फुर्सत नहीं है, किसी ने गाड़ी ले रखी है, किसी ने घर ले रखा है, सारे सेम ही है, सबका बुरा हाल है। तो कहते हैं ना दुख में सारे मिल जाएं तो आपस में दोस्त ही बन जाते हैं, तो यहाँ पे सभी उतार रहे हैं, कभी मेहनत में लगे हुए, दो दो तीन जॉब करने में लगे हुए, लड़ने की फुर्सत नहीं है भाई यहाँ पे। इंडिया में बहुत टाइम है, पाकिस्तान में बहुत टाइम है इन चीज़ों की फुर्सत, यहाँ पे भाई कुछ फुर्सत नहीं है, सोचने का ही फुर्सत नहीं है कि आप कौन हिंदू कौन मुसलमान है, फ़र्क नहीं पड़ता कौन हिंदू कौन मुसलमान है भाई। बल्कि पाकिस्तानी लोग इतने वो होते हैं कट्टर, लेकिन यहाँ पे वो इतना वो केयर नहीं करते, वो मेरे साथ खाता पीता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो कहता है दोस्ती आ रही है चलो ठीक है, बाकी गलत दोस्त मैं कोई बनाता नहीं, वो दोस्त सही है ठीक है पाकिस्तान का है, लेकिन लगता नहीं उसको देख के वो पाकिस्तान का सही है वो बंदा। और भी कई दोस्त हैं पाकिस्तान के, सही बंदे हैं, वो भी सही राय देते हैं और अच्छे हैं, और तरीके से बात करते हैं, बल्कि मेरे को ऐसा कुछ यहाँ पे सारे अच्छे ही लोग ही मिले हैं मुझे, पाकिस्तान का कोई ख़राब बंदा नहीं लगा। तो भाइयों यही छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा बताऊँ यहाँ पे सब मिलके रहते हैं भाई, जैसा न्यूज़ में है या ऐसा इंडिया वाला सोचते होंगे कि हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं वहाँ पे, हाँ लेकिन भाई एक पंगा होता है, इंडिया हारती है ना तो बहुत शर्म से जाना पड़ता है काम पे, क्योंकि काम पे हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं, पाकिस्तान हरा देती है ना तो जाना पड़ता है मुँह छुपा के, यार हार गई बस यही होता है, और वो चिढ़ाते हैं फिर हम उनको चिढ़ाते हैं, यही चलता है। तो क्योंकि इंडिया में तो यार कोई पाकिस्तानी है नहीं, हार जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो यार हार जाए तो बड़ा एक दूसरे से यार बात ही नहीं करते हम तो इस बारे में मैच के, कि यार बात ना छेड़ दे कोई। चलो भाई आज इतनी ही वीडियो बनाते हैं।